हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनु मुदगिल। बच्चा, लास्ट लेक्चर में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हमने स्टार्ट किया था, मतलब उन पे बेस्ड एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 से हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। फंक्शन हमारे पास है कोसेक्स। हमें इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है जब एक्स हमें 0 से पाई तक दिया हुआ है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ 0 से पाई तक बनाना है और उस ग्राफ के ऊपर हमें इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट, आई होप आप सबको, जैसे ही मैं ये स्टार्ट कर रहा हूं तो पीछे का सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है, पूरा ग्राफिकल उसकी एक्सप्लेनेशन आप सबके दिमाग में आ गई होगी, और इससे पहले जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें कैसे क्या प्रोसेस हम कर रहे थे, ये सब कुछ आपके दिमाग में अभी आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आए तो पहले रिवाइज कर ले थोड़ा सा, फिर इन क्वेश्चंस को सोल्व करें। तो पहले 5-10 मिनट के लिए एक बार पीछे का सारा सब कुछ देख लें कि क्या क्या हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। चलिए, फंक्शन है कोस एक्स और एक्स है 0 से पाई तक। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स। कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन हो गया वो हो गया माइनस साइन एक्स। अब हम इस डिफरेंशिएशन को, नाउ एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू 0, यही करते हैं ना, जो रेट ऑफ चेंज है उसको 0 के इक्वल रखना है। सो एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू 0 मींस माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब साइन एक्स अगर 0 है तो एक्स कितना आएगा? साइन एक्स अगर 0 है तो एक्स आएगा 0, एक्स आएगा पाई, क्योंकि साइन एक्स अगर 0 है तो आपका सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो एन 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो पाई आएगा, 2 रखेंगे तो 2 पाई आएगा, 3 रखेंगे तो 3 पाई आएगा। लेकिन ये जो ग्राफ बन रहा है कोस एक्स का वो कहां से कहां तक है? 0 से पाई तक है। तो इसमें 0 और पाई दोनों इंक्लूड नहीं है, यहां इक्वल नहीं लगा, 0 और पाई के बीच में है ना, 0 और पाई तो नहीं है। अब 0 और पाई तो इस इंटरवल में नहीं आएगा, 0 बिलोंग नहीं करेगा ओपन इंटरवल 0 पाई में। इसका मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ऑफ 0 पाई, तो 0 जो आया वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, एज वेल एज जो पाई आएगा वो भी 0 पाई में बिलोंग नहीं कर रहा, और आगे 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये तो इस इंटरवल से बाहर ही चले गए। राइट, तो इसका मतलब यहां से ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आया जिस पे रेट ऑफ चेंज हम 0 कह सकें। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे रेट ऑफ चेंज हम 0 कह सकें। तो क्या लिखेंगे, द गिवन फंक्शन हैज नो लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इन इंटरवल 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई। राइट, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया जिस पे कि रेट ऑफ चेंज 0 हो सके। तो कोई भी हमें स्टेशनरी पॉइंट नहीं मिला, तो 0 से पाई तक इस कोस एक्स फंक्शन की कोई लोकल मैक्सिमम कोई लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं ऑब्टेन हुई। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में ही कि सारे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड पार्ट्स हैं। इसका 4th पार्ट हमने लिया, फंक्शन है हमारे पास 2 कोस एक्स प्लस एक्स। 2 कोस एक्स प्लस एक्स इन इंटरवल 0 पाई क्लोज इंटरवल,
दिस इज द फंक्शन, 2 cos x plus x ये फंक्शन है और इंटरवल है 0 पाई क्लोज इंटरवल। हमें इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है बच्चे। डिफरेंशिएशन किया, f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट, cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन x, प्लस x का डेरिवेटिव हो गया 1। नाउ f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0 माइनस 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से सोल्व करेंगे तो साइन x की वैल्यू आएगी 1/2, राइट? अगर साइन x 1/2 है तो यहां से x आएगा पाई बाई 6, साइन 30 डिग्री 1/2, लेकिन हमें 0 से पाई तक का इंटरवल डिस्कस करना है। आई मीन ये जो ग्राफ बना है ये ग्राफ 0 से पाई तक है, तो अगर साइन x 1/2 है, x आ गया पाई बाई 6, क्या पाई बाई 6 के बाद कोई और ऐसा एंगल है जिस पे साइन 1/2 बनेगा? यस, 5 पाई बाई 6 मतलब 150 डिग्री। 0 से 180 डिग्री तक का हिसाब करना है, उसमें एक तो 30 डिग्री पे साइन 1/2 हो गया और एक 150 डिग्री पे भी साइन 1/2 ही रहेगा, क्योंकि 150 डिग्री को 180 माइनस 30 लिखेंगे, 180 में कुछ कम हो रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, 180 पे नो चेंज, तो साइन 30 ही आएगा और साइन 30 1/2 हो गया। तो ये हमें दो वैल्यू ऑप्टेन हो गई 0 से पाई के इंटरवल में, ये दोनों ही वैल्यू बिलोंग कर रही है। अब इसके बाद कॉमन, ये तो प्रोसेस कॉमन है, इसके बाद हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ भी जा सकते हैं और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ भी जा सकते हैं, तो ज्यादा बेहतर है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो मैंने इसका डबल डेरिवेटिव किया, माइनस 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कोस एक्स और प्लस 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। अब सबसे पहले हम ये पॉइंट रखेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6 डबल डेरिवेटिव में एक्स की जगह पाई बाई 6 रख दिया, तो यहां कितना आएगा माइनस 2 कोस पाई बाई 6। अब सीधी सी बात है, कोस पाई बाई 6 की जो वैल्यू है, cos 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी है, अंडर रूट 3/2। रिजल्ट कैसा आया, लेस देन जीरो नेगेटिव, तो इसका मतलब द गिवन फंक्शन हैज ए लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई बाई 6 इज, वो क्या है? तो पाई बाई 6 पे हम पाई बाई 6 इस फंक्शन में रखेंगे, तो कितना आएगा 2 cos पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6। दिस इज 2 cos पाई बाई 6 रूट 3/2 प्लस पाई बाई 6 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया पाई बाई 6 प्लस अंडर रूट 3। ये इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू है जो किस पे अटेन हुई है, पाई बाई 6 पे अटेन हुई है। अब इसी तरह डबल डेरिवेटिव में एट एक्स इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 दूसरा पॉइंट ये भी है। सो डबल डेरिवेटिव में 5 पाई बाई 6 हम रखेंगे, तो रिजल्ट हमारा कितना आया माइनस 2 कोस 5 पाई बाई 6। अब बच्चे cos 5 बाई 6 कितनी वैल्यू आएगी, खैर ये तो मैटर ज्यादा करता नहीं, ये मैटर करता है कि रिजल्ट कैसा आएगा। cos 5 पाई बाई 6 का रिजल्ट नेगेटिव आएगा, क्योंकि cos के साथ एंगल कितना है 150, cos के साथ एंगल कितना है 150, तो cos के साथ एंगल 150 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा रहेगा नेगेटिव, तो यहां रिजल्ट नेगेटिव है, माइनस 2 तो नेगेटिव है ही है, इसका रिजल्ट भी कैसा आएगा नेगेटिव, तो रिजल्ट बन गया पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0।
अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, ग्रेटर देन जीरो रिजल्ट दे रहा है, तो इसका मतलब द गिवन फंक्शन हैज ए लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5π/6 एच, वो कितनी है, यहां रख दें 2 cos 5π/6 प्लस 5π/6, और यहां आप cos 150 की वैल्यू निकाल लें। 150 को क्या लिखेंगे, 150 को हम लिखेंगे 180 minus 30, 180 में कुछ कम हो रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में cos नेगेटिव, माइनस cos 30 डिग्री आएगा, तो ये बन जाएगा -√3/2, तो ये बन गया 2 minus √3/2 प्लस 5π/6 कैंसिल आउट, तो रिजल्ट कितना आ गया 5π/6 -√3। दिस इज द लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स। ठीक है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, इजीली आप सॉल्व करते चलेंगे। डेरिवेटिव किया, जीरो के इक्वल रखा, x की वैल्यू ऑब्टेन हो गई। फिर डबल डेरिवेटिव में हम बारी बारी से ये वैल्यू रख करके देखेंगे, उसे नेचर पता चलेगा डबल डेरिवेटिव का, नेचर कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उसके अकॉर्डिंग हमने फिक्स किया कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, वो हम इस पॉइंट में रख करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के आप सारे पार्ट करके देख लें, एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लें, क्योंकि वहां पे भी साइन एक्स फंक्शन है, उसकी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ जी बच्चे, आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेटमेंट है इसमें, इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू 1, द फंक्शन x पावर 4 -62x² प्लस ए एक्स प्लस 9 अटेन्स इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू ऑन इंटरवल 0 टू। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 1 पे, ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 1 पे एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, और किस इंटरवल पे, 0 2 के क्लोज इंटरवल पे। इस फंक्शन का जो ग्राफ बना है वो 0 से 2 तक ही बना है, क्लोज इंटरवल 0 से 2 तक उसका ग्राफ बना है। उतने ग्राफ में x इज इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन ने मैक्सिमम वैल्यू अटेन की, तो बताइए a क्या होगा, ये a निकालना है। अब बच्चे एक बात तो पक्की है, अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो इसका मतलब 1 के ऊपर इस फंक्शन का ग्राफ
प्रण हुआ था। कोई भी चीज अगर जिसके ऊपर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फंक्शन की होती है उसी पे ही तो रेट ऑफ चेंज जीरो होता है। ये पहले के दो लेक्चर में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, इंक्रीज टू डिक्रीज या डिक्रीज टू इंक्रीज। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां टिकी हुई है, जहां से ट्रन लिया। तो अगर इस फंक्शन का, अगर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम सॉरी लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पे है, वन पे है, तो वन पे इसका रेट ऑफ चेंज जीरो होगा, पक्की बात है। वन इसका एक स्टेशनरी पॉइंट है। हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 124x प्लस ए एक्स का हो गया, ए नाइन का हो गया जीरो, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0, सो 4 वन रखे इसमें, 4 माइनस 124 प्लस ए इज इक्वल टू 0, माइनस 120 प्लस ए इज इक्वल टू 0, यहां से ए की वैल्यू आएगी 120। और ये भी पता चल जाएगा कि अब ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, डबल डेरिवेटिव करेंगे। सो डबल डेरिवेटिव करने से कितना आएगा, 12x² माइनस 124 किस पे निकाल रहे हैं, वन पे, क्योंकि जब हमने इसको जीरो रखा, इसको जीरो रखा तो एक्स वन आया ना, ठीक है। ऐसा नहीं, ये तो एक ही वैल्यू आई है, लेकिन डबल डेरिवेटिव किस पे चेक करेंगे, वन पे, क्योंकि रेट ऑफ चेंज जीरो किस पे बन रहा है, वन पे। तो ये 12 माइनस 124 नेगेटिव आएगा ना, लेस देन जीरो आएगा ना, तो इसका मतलब कैसी वैल्यू अटेन कर रहा है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, किस पे, वन पे। और वो वैल्यू भी निकाल सकते हैं कैसे, पहले तो फंक्शन बना ले हम, एफ एक्स इज इक्वल टू 120 यहां रख दे, एक्स पावर 4 माइनस 62x² प्लस 120x प्लस 9, ये पूरा फंक्शन आ गया, राइट। हालांकि पूछा नहीं इन्होंने, मैं आपको एक और बात ऐड करके बता रहा हूं, अगर मुझे वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती तो 1 इसमें रख देते, 1 माइनस 62 प्लस 120 प्लस 9, सोल्व कर ले जितना भी आएगा, ये वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई किसके ऊपर, 1 के ऊपर। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था कि 1 के ऊपर ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो बताइए ए की वैल्यू क्या होगी, और इंटरवल 0 से 2 तक है। तो डेरिवेटिव किया, अगर 1 के ऊपर रेट ऑफ, 1 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा तो 1 पे रेट ऑफ चेंज 0 होगा, वहां से हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट की। डबल डेरिवेटिव से पता चल गया कि हाँ, 1 के ऊपर इस फंक्शन, ये फंक्शन कैसी मैक्सिमम वैल्यू ही अटेन करेगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनेगी, ये हम ए की वैल्यू यहां रखेंगे और फिर इस पूरे फंक्शन में एक्स की जगह 1 रख करके वो वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, अब कर लें क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास फंक्शन दिया गया है 1 बाई एक्स होल पावर एक्स। प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज, प्रूव करनी है इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी वो e^1 ये बनेगी। प्रूव करना है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू e^1 बनेगी। चलिए यहां इसको, फंक्शन को हम y कह दें, y इज इक्वल टू 1 पावर x 1 ही हो गया, और नीचे x पावर x हो गया, 1 पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा और नीचे x पावर x हो गया। हम इसको y इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं, राइट। अब इसको सोल्व करने के लिए दोनों तरफ लॉगरिदम लेना होगा, मतलब डेरिवेटिव करना है ना इसका, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए लॉगरिदम की हेल्प चाहिएगी ना, पीछे हमने पढ़ा है। तो ये बन गया log y इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस एक्स log x, क्योंकि ये जो पावर है ये सबसे आगे आएगी। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, log y का हो गया 1 बाई वाई, y का डेरिवेटिव हो गया dy/dx इज इक्वल टू, यहां पे u इंटू v लगाएंगे, माइनस तो बाहर निकाल दे, चलिए x एज इट इज, log x का हो गया 1/x, बीच में प्लस, अब log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव हो गया 1, ये कैंसिल, y यहां मल्टीप्लाई, सो dy/dx इज इक्वल टू माइनस y,
और यहां हो गया 1 प्लस log x, राइट यहां तक हमने सोल्व कर दिया. आप चाहे तो डबल डेरिवेटिव अब यहां से भी कर सकते हो, मतलब डबल डेरिवेटिव जरूरत पड़ेगी ना, तो डबल डेरिवेटिव आप सीधे यहां पे निकाल लें, u into v से माइनस बाहर y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स हो गया, 1 का 0 log x का 1 बाई एक्स, ठीक है, बीच में प्लस, अब 1 प्लस log x ये एज इट इज, और y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स, ये हमने इसका डबल डेरिवेटिव भी कर दिया. और इस dy बाई डी एक्स की जगह हम ये रख देंगे, ठीक है, इस dy बाई डी एक्स जगह हम ये रख देंगे या आप रख लेंगे. चलिए फिलहाल मुझे क्या करना है, dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रखना है, तो यहां से माइनस वाई 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0, तो माइनस वाई तो 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि y तो क्या है, y तो ये पूरा फंक्शन है, ये 0 नहीं होगा. अगर यही 0 हो गया तो ये अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा, इसमें अनडिफाइंड बन जाएगा, तो ये तो 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब 0 कौन है, 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0, राइट. अगर हम इसको कहें तो एक सेकेंड, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना, यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सेकेंड, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हमने लिखने में गड़बड़ तो नहीं की है. यहां पे डेरिवेटिव किया माइनस एक्स log x का 1 बाई एक्स प्लस log x, x का हो गया 1, माइनस वाई ये हो गया 1 प्लस log x, ठीक है यहां तक. अब हमने इसको 0 रखा, चलिए log x, log x इज इक्वल टू माइनस 1, राइट, log x कितना आ गया, बिल्कुल ठीक है, log x यहां पे कितना आ गया माइनस 1. दोनों तरफ हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e फंक्शन अप्लाई किया, तो यहां हो गया e पावर log x, यहां हो गया e पावर माइनस 1. अब सब जानते हैं e पावर log कैंसिल, x कितना आ गया e पावर माइनस 1, मतलब 1 बाई e. अब जो ये डबल डेरिवेटिव आया है ना, इस डबल डेरिवेटिव में x की जगह 1 बाई e रख करके देख लेंगे, तो 1 बाई e जब यहां सब रखेंगे, पहले तो dy बाई dx जगह आप ये लिख लें और फिर x जगह 1 बाई e रखें, तो आप पाओगे कि जो डबल डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 आया है, मतलब नेगेटिव में ही बनेगा, ये सब टर्म पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव टर्म में ही रहेगा, नेगेटिव टर्म में ही रहेगा, तो इसका मतलब कैसे लो अटेन कर रहे हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है ये फंक्शन, किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 1 बाई e, और वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, दैट लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज कितनी है इस फंक्शन में, इस फंक्शन में x की जगह 1 बाई e रखेंगे, सो 1 अपॉन 1 बाई e, ये रिवर्स होकर के e पावर x की जगह 1 बाई e, अब रख दीजिए 1 अपॉन x है, क्या रखोगे 1 बाई e, और पूरे पे पावर 1 बाई e, तो ये तो प्लट करके e पावर 1 बाई e बन जाएगा ना. यही हमें प्रूव करना था कि इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी, e पावर 1 बाई e, राइट. ये आप नोट कर ले इसको और खुद से करके देख ले इस क्वेश्चन को. चलिए आगे के क्वेश्चंस में चलेंगे अब हम. हाँ जी आगे चलते बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चंस में. क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में है फाइंड द
आई एम सॉरी, नाइन्थ लेते हैं पहले, नाइन्थ क्वेश्चन भी बचा हुआ है बीच में. क्वेश्चन नंबर नाइन है, इफ वाई इज इक्वल टू, फंक्शन दिया गया है वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर. ये वाई एक फंक्शन है, हैज ए टर्निंग पॉइंट एट पॉइंट पी 2-1. जो 2-1 है ना, ये फंक्शन 2-1 पे टर्न लेता है, टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट. आई होप आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे. यस, ये एक फंक्शन है, इस पॉइंट से इस फंक्शन का ग्राफ टर्न लेता है, तो टर्निंग पॉइंट हो गया ये. अब आप एक 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 बात क्लियर है, अगर अगर इस फंक्शन का ग्राफ इस पॉइंट से टर्न लेगा तो इस पॉइंट पे इस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज जीरो होगा. ये बात दिमाग में आपकी आ जानी चाहिए इस पॉइंट से. अब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो कह रहा है ए की और बी की वैल्यू निकालिए और शो दैट वाई इज मैक्सिमम एट पॉइंट पी. और फिर ये भी प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन इस पॉइंट पी पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, तो वो हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से बता सकते हैं. चलिए फिलहाल तो ए और बी की वैल्यू निकालने है, ये नया काम है इस क्वेश्चन में. सो डिफरेंशिएशन करते हैं, dy by dx is equal to u by v form, क्यूसेंट रूल, नीचे वाले का स्केयर, राइट, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव. ए एक्स का डेरिवेटिव हो गया a और माइनस बी का डेरिवेटिव हो गया जीरो, बीच में माइनस. अब ऊपर वाला एज इट इज ए एक्स माइनस बी, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव. तो नीचे वाले का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो आप पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लें, इन इनकी मल्टीप्लाई कितनी रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस इनका सम 5x प्लस 4, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x माइनस 5, 2x माइनस 5. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, एट x इज इक्वल टू 2, है ना, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू माइनस 1 है. एट x इज इक्वल टू 2 dy by dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका ग्राफ अगर इस पॉइंट से टर्न ले रहा है तो इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज 0 होगा, x 2 है और y माइनस 1 है, तो इसमें तो x की टर्म है ना सब, तो x 2 के ऊपर dy by dx क्या होगा 0. x के लिए 2 रख दें, 2 माइनस 1 1 रहेगी, 2 माइनस 4 माइनस 2 a माइनस 2 रखेंगे तो 2a माइनस b, यहां पे 2 रखेंगे तो 4 माइनस 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0. ये सब यहां करके जीरो, रिजल्ट रह गया माइनस 2a, यहां ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, कैंसिल आउट, है ना, ये माइनस माइनस प्लस माइनस b, सो b इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू तो 0 आ गई. अब a और निकालना है, अब a कैसे निकालें, ये कर्व अगर जैसे ये कर्व है, ये कर्व किस पॉइंट पे टर्न हो रहा है, 2 माइनस 1 पे, तो 2 माइनस 1 पे रेट ऑफ चेंज क्या हो गया 0, x 2 के ऊपर रेट ऑफ चेंज क्या हो गया 0, तो वहां से तो हमने b निकाल दिया. अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है तो इस कर्व के ऊपर ही ना बच्चों, आई मीन ये जो कर्व है, ये कर्व इस पॉइंट से ही तो पास हो रहा है, तो क्या होगा, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो रख दीजिए x की जगह 2, y की जगह माइनस 1, तो y की जगह माइनस 1, ठीक है, यहां कर लेते हैं, y की जगह हो गया माइनस 1 इज इक्वल टू x की जगह 2, 2a, 2a माइनस b, b कितना आया 0, तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं, और नीचे x की जगह कितना 2, 2 माइनस 1 1, और यहां 2 माइनस 4 माइनस 2, राइट, कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 आ गई, तो हमें दोनों वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 0,
अब बच्चे ए और बी की वैल्यू हम यहां रख दें, ठीक है, इसमें रख दो आप डेरिवेटिव में, और इसके बाद अब आप खुद से सोल्व करके देख लें, ए और बी की वैल्यू निकाल दी, अब इसको बताना है कि ये फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, तो वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल लें, ए और बी की वैल्यू रख दे पहले तो इस डेरिवेटिव में, राइट, फिर इसका डबल डेरिवेटिव करके आप इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर लें। रेट किस पे निकलेगा, टू के, टू पे। अब इसको जीरो के इक्वल रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो के इक्वल रखोगे तो भी एक्स की वैल्यू टू ही आनी है, बस आपको ए और बी की वैल्यू यहां रखनी है, सोल्व करना है, फिर उसका डबल डेरिवेटिव करना है। डबल डेरिवेटिव में आप एक चीज और भी ध्यान दें, जरूरी नहीं कि डबल डेरिवेटिव ही करें, क्योंकि इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ज्यादा लेंथी जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ए और बी की वैल्यू आप यहां पर रख दें, ए और बी की वैल्यू रखने के बाद कुछ ये सिंप्लीफाई होकर के dy by dx आ जाएगा, फिर उस dy by dx में ही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा दो, ज्यादा आसान होगा। एक बार तो क्या करेंगे, when x is less than 2, slightly less than 2, फर्स्ट डेरिवेटिव में एक बार x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम रख करके देखो, पता चल जाएगा कैसा रिजल्ट आएगा, फिर एक बार 2 से ग्रेटर वैल्यू रख करके देख लो, तो उससे सीधे सीधे पता लग जाएगा कि ये फंक्शन कैसी वैल्यू अटेन करेगा, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, राइट। डबल डेरिवेटिव से बच जाओगे, डबल डेरिवेटिव में इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। ए और बी रखिए, फटाफट डबल डेरिवेटिव कीजिए, डबल डेरिवेटिव में सबसे पहले एक्स की वैल्यू 2 से स्लाइटली लेस, फिर 2 से स्लाइटली ग्रेटर, राइट, करके देखिए। हाँ, आप जितना करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। इस बार हमें डेरिवेटिव का यूज नहीं करना, डेरिवेटिव का यूज किए बिना हमें उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। फंक्शन है हमारे पास माइनस एक्स माइनस टू होल स्केयर प्लस 12, ये फंक्शन है, हमें इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है, लेकिन डेरिवेटिव का यूज नहीं करना। देखिए बच्चे, माइनस ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्केयर है ना, हम सब जानते हैं कि जो x माइनस टू का होल स्केयर है ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहेगा ना, जिसके ऊपर स्केयर आ गया वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। डेरिवेटिव यूज नहीं करना, लॉजिक्स लगाएंगे, अपने जो प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग है, हमने जितना भी मैथमेटिक्स पढ़ा है उसको यूज करते हुए काम करेंगे। अब अगर मैं इसके आगे नेगेटिव लगा दूं, माइनस ऑफ x माइनस टू का स्केयर, ये लेस देन इक्वल टू जीरो रहेगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव आना है लेकिन बाहर नेगेटिव आएगा, तो ये हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा। अब एक चीज समझिए, अगर कोई भी चीज, अब अगर ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, आई मीन हमेशा नेगेटिव दे रहा है, तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो या मिनिमम वैल्यू बता सकते हो, मैक्सिमम। कोई चीज बार 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 नेगेटिव होती जा रही है, तो नेगेटिव में तो कोई कंपटीशन ही नहीं, पता नहीं लास्ट नेगेटिव कहां तक जाएगा, लेकिन हमें यह पता है इसका लास्ट पॉजिटिव कहां था, तो लास्ट पॉजिटिव तक तो गया ही नहीं, लास्ट नंबर क्या था इसका, जीरो, जीरो से तो ऊपर ये बढ़ा ही नहीं, तो मैं क्या कह सकता हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस एक्स माइनस टू स्केयर इज जीरो, एक्स माइनस टू होल स्केयर नेगेटिव के साथ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। अगर ऐसा होता ना कि सिर्फ फंक्शन क्या होता, एक्स माइनस टू स्केयर होता ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो आप ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो पॉजिटिव में कितना बड़ा होगा ये नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रही, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रही, जीरो, क्योंकि ये नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, तो कम से कम इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो, और इस वाले की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो, मिनिमम पता नहीं। अब हमें तो इसकी निकालनी, अब इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू जीरो है और 12 तो 12 ही बना रहेगा,
इस पे तो कोई फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है, तो क्या लिखेंगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस 12 इज 12. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 12 इज राइट. तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. एक और इसमें क्वेश्चन हम देख लेते हैं. इसका थर्ड पार्ट लिया, मोड ऑफ साइन 4x प्लस 3, इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है. तो बच्चे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहे, हम सबने पढ़ा हुआ है कि जो साइन x है, जो साइन 4x है, साइन 4x की मैक्सिमम वैल्यू, साइन x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहती है? 1. तो 1 मैक्सिमम वैल्यू कितनी इसकी? 1 प्लस 3 है, 3 रहेगा, तो 1 प्लस 3 4, 4 का मोड कितना आ जाएगा? 4. और अगर इसके मिनिमम वैल्यू निकाली जाए, तो हम सब ने पढ़ा हुआ है साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी रहती है? -1. तो -1 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 2. ये 3 तो कांस्टेंट है, 3 रहेगा, बात इसके ऊपर डिपेंड करती है. अगर ये मैक्सिमम है तो 4, मिनिमम है तो 2. ठीक है, ऐसे दो तीन पार्ट्स और हैं, आप कर सकते हैं, जो भी समझ में ना आए आप मेरे से पूछ लें. तो यहां पर हमारी ये एक्सरसाइज बच्चे कंप्लीट हो गई है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को लेकर के. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा डिस्कस करेंगे. चलिए तब तक आप ये काम कर लीजिए. थोड़ी अगर इसमें साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, अभी देखना पड़ेगा कि कितना क्या कुछ, तो जहां पे भी आपको वॉइस क्लियर ना आई हो, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके आप वो आप क्लियर कर सकते हैं वो बातें. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.